आज पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। सरस्वती महोत्सव का आयोजन एसडीएम सोनू राम की देखरेख में किया गया। आपको बता दें, शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा 21 हवन कुंड यज्ञ किए गए। महोत्सव के दौरान शहर के सरस्वती स्थल के आसपास के क्षेत्रों को सुसज्जित किया गया। शहर के मुख्य चौक को पीले रंग की झंडियों से सुंदर बनाया गया। इस समारोह में धूमन सिंह किरमच ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने यज्ञ करने के बाद पौधारोपण भी किया। महोत्सव के दौरान मंत्रोच्चारण, सरस्वती वंदना सहित शाम को आरती कर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन किया गया। संवाददाता कुलवंत सिंह की खास रिपोर्ट। तथा बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये इस महोत्सव के माध्यम से सरकार ये चाहती है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे, सरस्वती के बारे में जो ऐतिहासिक और धार्मिक इसकी महत्ता थी उसके बारे में सब अवेयर हों, संसार के हर कोने तक इनकी व्याख्या पहुंचे। और जो सरस्वती के किनारे पर धार्मिक स्थल हैं, खासकर सेवाएं एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हों, लोग आए और हमारी धरोहर को देखें। मैं आपके माध्यम से करोड़ों लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती से निवेदन करता हूं कि आप सबके घरों में खुशहाली आए, समृद्धि आए। आज पेवा में इतना सादा और इतना अद्भुत कार्यक्रम, मैंने को अभी जग्गी जी बता रहे थे कि इतना सादा और इतना अद्भुत कार्यक्रम, बहुत आनंद आया माँ सरस्वती को लेकर। और यहाँ पर जो 21 कुंडीय यज्ञ पहली बार किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने माँ सरस्वती के किनारे पर सबसे ज्यादा यज्ञ किए और यज्ञ करके ही सिद्धि प्राप्त की। महाभारत से पहले, युद्ध से पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ माँ सरस्वती के किनारे पर हवन यज्ञ करके आशीर्वाद लेकर ही युद्ध में विजय प्राप्त की, ऐसा हमारे विद्वानों ने वेदों में लिखा हुआ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन